दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। अच्छा दोस्तों बताओ क्या आपको मालूम है धरती पर पहला इंसान कैसे आया? क्या आपको मालूम है इंसान कहां से आए? शायद आपको ये भी नहीं मालूम होगा कि इंसान का जन्म धरती पर कैसे हुआ या फिर अरबों साल पहले धरती पर जीवन कैसा था। अगर इन सब सवालों का जवाब नहीं मालूम तो चलिए आज के वीडियो में अरबों साल पुरानी कहानी सुनते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले उसे लाइक जरूर कर देना। दोस्तों आप सभी ने ये बात अक्सर सुनी होगी कि हम इंसान पहले आदि मानव हुआ करते थे, लेकिन सवाल ये आता है कि हम अगर आदि मानव थे तो हमारी उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ, किस तरह ये पूरी साइकिल चली है और आज के मनुष्य तक का सफर हम तय कर पाए हैं। सवाल काफी ज्यादा पेचीदा है, लेकिन जब आपको इन सारी चीजों का पता चलेगा तो आप शायद हैरान हो जाएंगे। बस मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक इसी तरह बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों आपको बता दें, पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति प्लास्टोसीन युग के आरंभ से मानी जाती है। इस समय में स्तनधारी जानवर जैसे कि बंदर, हाथी और गाय जैसे जानवरों की उत्पत्ति हुई थी। कई सारे विद्वानों का ऐसा मानना है कि आज से लाखों साल पहले नर वानरों के रूप में मानव की उत्पत्ति हुई। पहले ये नर वानर पेड़ों पर रहा करते थे और वहीं पर अपनी जिंदगी बिताते थे, लेकिन समय के साथ इन नर वानरों ने पेड़ों से उतरकर अपने पिछले पैरों पर चलना शुरू कर दिया और फिर पृथ्वी के धरातल को ही अपना निवास स्थान बना लिया और इसी तरह धीरे धीरे इनमें विकास होता चला गया और फिर ये आदि मानव कहलाने लगे, जिन्हें एक अलग ही तरह की जिंदगी जीने की आदत थी। असल में आदि मानव खानाबदोश जीवन जीते थे, जो खाने और आश्रय की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह तक झुंड बनाकर घूमते थे। आदि मानव पेड़ों के फलों के साथ साथ जानवरों का शिकार करके अपना पेट भरते थे, जहां वो एक जगह पर फल और जानवरों को खाकर पूरी तरह से खत्म कर देते थे और उन्हें ऐसा लगता था कि अब उनके लिए यहाँ पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो वो वहां से अपने झुंड के साथ किसी दूसरे इलाके में पहुंच जाते थे जहाँ के फल और जानवरों को वो अच्छी तरह से खा सके। और इसी तरह आदि मानव एक जगह से दूसरी जगह खाने की तलाश में टहलते रहते थे। आदि मानव का जीवन शिकार एवं फलों के खाद्य संग्रह पर ही निर्भर था, जहाँ खाद्य संग्रहण करने के कारण इस काल को खाद्य संग्रहण काल के रूप में भी जाना जाता है, जहाँ आदि मानव खाने की चीजों का संग्रह करके रखते थे। पानी की बात की जाए तो उसके लिए आदि मानव नदियों, तालाबों और झरनों पर निर्भर रहते थे। शिकार करने के लिए आदि मानव तरह तरह के हथियारों का इस्तेमाल करते थे, जिन्हें उन्होंने समय रहते अपने हाथों से तैयार किया था। तभी तो दुनिया भर में जगह जगह पर आदि मानव द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार पाए गए हैं। अगर हम तन ढकने की बात करें तो आदि मानव शिकार किए गए जानवरों की खाल या फिर पेड़ों के पत्तों से बने कपड़ों को पहनते थे। आदि मानव जंगलों में रहते थे, इसलिए उन्हें दो चीजों का डर हमेशा रहता था, जिसमें से एक है खराब मौसम तो दूसरा है जंगली जानवरों का। आदि मानवों को बादल के गरजने और बिजली के चमकने का कारण नहीं मालूम था, इसलिए वो बिजली चमकने पर डर जाते थे। उस समय मानव का दिमाग बहुत ही कमजोर हुआ करता था और सिर्फ दिमाग ही नहीं बल्कि शरीर भी बहुत कमजोर होता था। तभी तो अगर कोई जंगली जानवर इंसानों को देख ले तो वो उनका शिकार करने में पीछे नहीं हटता था, फिर चाहे वो भाग, चीता या फिर शेर ही क्यों ना हो। इस तरह के खूंखार जानवर इंसानों का शिकार करते थे, इसीलिए उन्हें मौसम और जंगली जानवरों से हमेशा बच के रहना पड़ता था, जिसके लिए आदि मानव झुंड बनाकर रहते थे और ये सभी गुफाओं और पेड़ों के नीचे छुपकर अपनी रक्षा करते थे। हालांकि एक समय बाद मानव ने आग की खोज कर ली। ये एक संयोग था, जहां दो पत्थर आपस में टकराए तो चिंगारी उत्पन्न हो गई और पास रखे सूखे पत्तों पर जा गिरी, जिससे पत्तों पर आग लग गई और फिर इस आग का इस्तेमाल मानव जंगली जानवरों को भगाने के लिए किया करते थे ताकि उनकी रक्षा हो पाए, क्योंकि जब पत्तों पर आग लग रही थी तो उसे देख जंगली जानवर दूर भाग रहे थे और इसी चीज को देखकर मानव समझ गए कि वो इसका इस्तेमाल अपनी रक्षा के लिए कर सकते हैं। रात में जब आदि मानव इकट्ठा होते थे तो गुफा के बाहर आग जला लेते थे, जिससे जंगली जानवरों द्वारा उनकी रक्षा होती थी। साथ ही आग का इस्तेमाल भोजन पकाने और खुद को गर्मी देने के लिए भी आदि मानव करने लगे। आगे चलकर आदि मानव ने पत्थरों के औजार बनाने का काम शुरू किया,
जहां आदिमानव ने कई अलग अलग प्रकार के पत्थरों से औजार और बाकी चीजें बनाई। इसी वजह से उस टाइम को स्टोन एज के नाम से जाना जाता है। हालांकि इसमें भी कई सारे भागों में इसे विभाजित किया गया, जैसे कि पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के तौर पर ये जाने जाते हैं। आदिमानव के हथियार चकमक पत्थर के बने होते थे, क्योंकि वो कठोर भी थे और उनकी धार भी तेज थी। इसके साथ ही इन पत्थरों पर अनेक कर्ण दिए जाते थे। इसके अलावा मानव पत्थरों के साथ साथ हड्डियों के हथियार भी बनाए जाते थे, जिससे मानव को अनेक लाभ मिले। धीरे धीरे मानवों को ये समझ में आने लगा कि उनका विकास केवल यहीं तक सीमित नहीं है, वो और भी ज्यादा विकसित हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने पेड़ों को काटने से लेकर गड्ढे खोदने तक हर एक चीज शुरू कर दी, जहां वो जानवरों के मांस को काटने के साथ साथ उसका प्रयोग भी अलग अलग चीजों में करने लगे। और इसी तरह आदिमानव खाद्य संग्रहक से खाद्य उत्पादक के तौर पर विकसित होने लगे। हालांकि इस पूरे सफर को तय करने में आदि मानवों को लगभग 3 लाख सालों का लंबा समय लग गया था। और एक बार जब मानव खाद्य उत्पादक बन गए तो उन्होंने बहुत ही तीव्रता से अपनी उन्नति की। जहां मानव जैसे जैसे विकसित हो गए, वैसे वैसे वो अनेक प्रकार की खोजें करते गए। और आज आप देख सकते हैं कि मानव कहां पहुंच गया है, जिसने लगातार इतनी ज्यादा उन्नति कर ली है कि अब कोई भी ऐसा फील्ड नहीं रह गया जहां मानव ने अपने पैर न पसारे हों। धरती ही नहीं, चांद और तारों तक भी मानव पहुंच चुका है। आप खुद ही सोचिए, भला किसने सोचा था कि बंदरों की तरह दिखने वाला जानवर एक समय बाद इतने ज्यादा विकसित हो जाएंगे कि ये पूरी दुनिया पर राज करेंगे। और ये बात सच भी है। आज हम मानव अपनी बुद्धि और अपने विकास करने के तरीके की वजह से पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर चुके हैं, जिसका सबसे बड़ा सबूत आपके हाथों में मौजूद मोबाइल फोन है, जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। फिर चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, आपको कुछ भी कहीं पर भी मिल सकता है, जो एक समय में किसी जादू की तरह लगता था और आज टेक्नोलॉजी की वजह से बिल्कुल आम लगता है। बाकी आपका इन सारी चीजों के बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक शेयर सब्सक्राइब बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।